नमस्कार दोस्तों, मैंने भी आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी कमाल की वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे दोस्तों टीसी के बारे में। टीसी क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। टीसी, जीएसएम, यान, ठीक है, यार्ड, लिए, ये सारी चीज़ें क्या है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर इससे नहीं होते चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टीसी क्या चीज़ है। दोस्तों वैसे टीसी जो होता है बेसिकली एक जो बेडशीट होते हैं, बेडशीट की अगर डेंसिटी हमारे को मापनी है तो उसके लिए हम टीसी का यूज़ करते हैं। टीसी बेसिकली क्या है कि थ्रेड काउंट इसको बोला जाता है। थ्रेड काउंट का मतलब क्या हुआ कि 1 इंच स्क्वायर में आपके कितने थ्रेड हैं, मतलब हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। अगर हम मापने पे आएंगे, ठीक है, मापने माप के देखेंगे कि उसमें भाई जो होता है अगर हॉरिजेंटली कितने धागे हैं और वर्टिकली कितने धागे हैं, तो उस चीज़ को हम जो होता है अगर उस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसको हम टीसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक मापने का एक तरीका होता है उसको हम टीसी बोलते हैं। जैसे कि लिलियन में होता है, लिलियन में जैसे लिए होता है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ, आई बटन में उसका लिंक मिला है, जाके चेकआउट जरूर करें। जीएसएम के बारे में वीडियो बनाया हुआ, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट जरूर करें। तो ऐसे ही दोस्तों टीसी है। टीसी अगर आप बेडशीट का काम करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत सारे काम आएंगी, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता लगेंगे टीसी क्या चीज़ होती है, कितने टीसी का हमारे को बेडशीट लेनी चाहिए, कितने टीसी का सबसे बेटर रहता है। तो आज के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यार जो टीसी होता है बेसिकली एक तरीका है बेडशीट की जो डेंसिटी अगर हमारे को मापनी है तो उसके लिए टीसी का प्रयोग किया जाता है कि उसमें हॉरिजेंटली कितने धागे हैं और वर्टिकली कितने धागे हैं। ठीक है, आगे बात आते हैं कि यार जो हमारा जो टीसी है इसको मतलब कि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज़ हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि इसको मापने का जो तरीका हुआ इस तरह से इसको बोलते हैं थ्रेड काउंट जो होता है, बट वो कैसा होता है। सपोज की बात है, कोई बोलता है कि 140 टीसी का बेडशीट है, ठीक है, तो उसको कैसे वो करते हैं। तो 140 का मतलब क्या हुआ कि 80 थ्रेड उसके हॉरिजेंटली होंगे और जो होता है 60 थ्रेड उसके वर्टिकली होंगे, तो उसको कितना बोला जाएगा, 140 टीसी। ठीक है, ऐसे 200 टीसी होता है और सबसे फाइन क्वालिटी में 200 से प्लस की जो भी टीसी होगा उसकी फाइन क्वालिटी की सबसे अच्छी बेडशीट होती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि जितना सुपीरियर क्वालिटी का होगा उसका जो क्वालिटी होगा उसका फैब्रिक क्वालिटी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा सिल्की होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है दोस्तों टीसी। होप आपको समझ आ गया कि टीसी क्या चीज़ है और टीसी कहाँ पे यूज़ होता है। वैसे बहुत सारे लोग बोले हैं, अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे टीसी का मतलब होता है भाई जो पॉलिस्टर होता है, काफ़ी टाइम पहले जो होता पॉलिस्टर को टीसी के नाम से बुलाया जाता था, बट वो चीज़ अलग है और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। ठीक है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को भी बोलते हैं बट वो चीज़ अलग है। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया हो दोस्तों कि जो हमारा जो टीसी है बेडशीट में क्या काम आता है और किस चीज़ को बोलते हैं। अब सिंपल से भाषा में आपको एक और तरीका एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे हम कोई चीज़ लेते हैं, आप कोई चीज़ मतलब घर के लिए कोई सामान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरीका होता है, उसमें आप चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, वो किलो के हिसाब से आता है। ठीक है, आप तेल लेते हैं या कोई चीज़ जैसे कोई लिक्विड चीज़ लेते हैं वो लीटर के हिसाब से लेते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे अगर आप बेडशीट लेते हैं तो उसमें बेडशीट में आपके जो डेंसिटी अगर मापी जाएगी तो वो टीसी के हिसाब से होगा। और जो जैसे कपड़ा वगैरह होता है ऐसे कॉटन वगैरह का होता है उसमें क्या होता है, उसमें जीएसएम चलता है, लिलन वगैरह लिए के हिसाब से चलता है। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं इसमें अलग अलग डेंसिटी में नापने के लिए अलग अलग तरीके का उपयोग किया जाता है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये जो अगर बेडशीट को अगर नाप रहे तो उसको क्या बोलते हैं, हम टीसी बोलते हैं। होप आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। और अगर इस तरह की वीडियो आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों मैं मिलूंगा फिर आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक।